वही 2023 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का साल होने वाला है, इस बात का पता तो हमें ऑटो एक्सपो के अंदर ही लग गया था। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं ट्रेंड्स 9 और ईवीज का दौर 2023 में होगा। और देखिए, इसकी शुरुआत हुई महिंद्रा की XUV400 के साथ। महिंद्रा ने XUV400 को लॉन्च कर दिया तो मौका था एक बार जरा सेगमेंट की टक्कर चेक कर ली जाए, क्योंकि इसी सेगमेंट के अंदर अभी तक राज कर रही थी टाटा की नेक्सॉन ईवी प्राइम और ईवी मैक्स। इन दोनों गाड़ियों के साथ कंपेयर करेंगे महिंद्रा की XUV400 को और देखते हैं XUV400 इन दोनों के बीच में राजा बनकर उभरती है या फिर सैंडविच बन जाती है। दोनों वेरियंट के साथ कंपेयर करते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। शुरुआत करते हैं पावर के साथ। टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम की पावर की बात की जाए तो 129 पीएस की पावर निकालती है ईवी प्राइम, वहीं पर ईवी मैक्स आपको 143 पीएस की पावर देती है। और इस रेस में विजेता XUV400 है 150 पीएस की पावर के साथ। अब चलते हैं टॉर्क की तरफ, यानी कि गाड़ी की खींचने की क्षमता। ईवी प्राइम की बात करें तो 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको प्राइम में मिलेगा, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क ईवी मैक्स में मिलेगा। और फिर से एक बार महिंद्रा XUV400 जीतती है 310 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। ड्राइव मोड्स की बात करें तो प्राइम के अंदर दो ड्राइव मोड आपको मिलते हैं, ड्राइव और स्पोर्ट्स। मैक्स की बात करें तो तीन मोड मिलते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट्स मोड। और वहीं पर XUV400 में भी तीन मोड मिलते हैं, फन, फास्ट और फियरलेस। बैटरी बैक साइज की बात की जाए तो 30.2 किलोवाट आवर की बैटरी बैक के साथ ईवी प्राइम आती है, ईवी मैक्स 40.5 किलोवाट आवर के साथ और XUV400 39.4 किलोवाट आवर के साथ आती है। प्रोडक्शन की बात करें तो तीनों ही बैटरीज IP67 सर्टिफाइड है, यानी कि वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ होती है। 0-100 किलोमीटर पर आर की स्पीड की बात करें तो 10 सेकंड से कम में ईवी प्राइम और ईवी मैक्स 9 सेकंड से कम में पकड़ती है, वहीं पर XUV400 8.3 सेकंड में पकड़ लेती है, यानी कि यहां पर भी विजेता 400 साबित हो रही है। एडजस्टेबल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की बात करें तो आपको ईवी प्राइम में ऑप्शन नहीं मिलता है, ईवी मैक्स में 4 लेवल मिलते हैं आपको एडजस्टेबल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के, वहीं पर XUV400 को 3 लेवल एडजस्टेबल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है, तो यहां पर ईवी मैक्स विजेता होती है। ब्रेक्स की बात करें तो ईवी प्राइम के अंदर आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, वहीं पर ईवी मैक्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं आगे पीछे दोनों के टायर्स में। और 400 के अंदर भी डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे दोनों ही तरफ आगे और पिछले दोनों टायर्स में। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर 350 लीटर का बूट स्पेस आपको ईवी प्राइम और ईवी मैक्स में मिलता है और वहीं पर XUV400 के अंदर आपको 368 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है ड्राइविंग रेंज की। फुल चार्जिंग के ऊपर 312 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है ईवी प्राइम, वहीं पर टाटा की नेक्सॉन ईवी मैक्स 437 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। और XUV400 यहाँ पर फिर से विजेता होती है 456 किलोमीटर की रेंज के साथ। चार्जिंग की बात करें तो तीनों ही गाड़ियों के अंदर आपको CCS2 चार्जिंग स्टैंडर्ड मिलते हैं, वहीं पर AC चार्जर ऑप्शन की बात करें तो ईवी प्राइम के साथ आपको 3.3 किलोवाट का AC चार्जर मिलता है, ईवी मैक्स में आपको दो चार्जर ऑप्शन मिलते हैं 3.3 किलोवाट का और 7.2 किलोवाट का AC चार्जर। वहीं पर XUV400 में भी आपको दो चार्जिंग ऑप्शन मिलते हैं 3.3 किलोवाट और 7.2 किलोवाट के। चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो 20% से 100% पहुंचने में 8 घंटे का समय लगाती है नेक्सॉन की ईवी प्राइम 15 एम्पियर के AC वॉल सॉकेट के साथ, वहीं पर ईवी मैक्स 10% से 100% चार्ज होने में 15 घंटे का समय लगाती है 15 एम्पियर के AC वॉल सॉकेट के साथ। और यहां पर भी विजेता कहीं ना कहीं XUV400 नजर आ रही है, क्योंकि वो 13 घंटे में चार्ज होती है 16 एम्पियर के सॉकेट से अगर आप 3.3 किलोवाट का चार्जर इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कीमतों की। सबसे सस्ती है टाटा की नेक्सॉन ईवी प्राइम, जो कि 14,49,000 रुपये से शुरू हो जाती है। वहीं पर बात करें टाटा की नेक्सॉन ईवी मैक्स की तो वो 16,49,000 से शुरू होती है और महिंद्रा की XUV400 ईवी की बात की जाए तो 15,99,000 रुपये से इस गाड़ी की शुरुआत हो जाती है। तो ये था डेटा बेस कंपैरिजन इन तीनों गाड़ियों के बीच में, नेक्सॉन ईवी प्राइम, ईवी मैक्स और XUV400 इलेक्ट्रिक के साथ। आपको इनमें से कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है ये आप कमेंट सेक्शन में आकर बता दीजिए। एक चीज़ जो कि बहुत ही पर्सनलाइज्ड होती है, पर्सनल लेवल पर होती है, वो होता है गाड़ी का लुक एंड फील। नेक्सॉन और जो XUV400 है, ये दोनों ही गाड़ियाँ बॉर्न ईवी नहीं है, इन दोनों को आइस इंजन के प्लेटफॉर्म पर ही तैयार किया गया है। XUV300 की तरह ही XUV400 है और टाटा की नेक्सॉन तो आइस इंजन के साथ आई रही थी। मुझसे अगर आप पर्सनली पूछेंगे कि कौन सी गाड़ी इन दोनों में से बेहतर दिखने में लगती है, तो मेरे हिसाब से टाटा की नेक्सॉन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि दिखने में मुझे वो ज़्यादा क्लासी लगती है। हालांकि जो XUV400 है वो ज़्यादा जेंजी लुक आपको देगी, उसमें बहुत सारे रंग है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा रंग पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं इनमें से कौन सी गाड़ी फेवरेट है, ये मैं आपको बताया, ये भी आप कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। बाकी टेक्नोलॉजी की, ऑटो की, लाइफस्टाइल की ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके साथ लगातार जुड़े रहें। मेरा नाम मानव है, एक अच्छे मानव बने। गाड़ी चलाते वक्त हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं, चाहे अगली सीट पर बैठे हों चाहे पिछली सीट पर बैठे हों। जय हिंद कहें।